नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। शुरुआत करते हैं जुर्म की बड़ी खबरों से, उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। सड़क पर आधे घंटे तक होती रही लड़ाई, तमाशा देख रहे लोगों की कट गई जीभ। आगरा में बीजेपी विधायक ने महिला एसडीएम को हड़काया, वीडियो हुआ वायरल। 34 साल बाद मिला इंसाफ, सज्जन कुमार को मिली उम्र कैद। बांदा में महिला के साथ गैंगरेप, पुलिस ने जबरन समझौता कराया। दिल्ली में घर में घुसकर महिला का किया कत्ल, पुलिस ने दबोचा। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शेयरिंग ऑटो में आए एक शख्स ने ऑटो ड्राइवर को 10 रुपए का फटा नोट दिया, जिसके बाद लड़ाई शुरू हुई। दोनों करीब आधे घंटे तक मारपीट करते रहे और फिर चले गए। देश की राजधानी दिल्ली में महज 10 रुपए के लिए दो लोगों सड़क पर करीब आधे घंटे तक मारपीट करते रहे और लोग तमाशबीन बने देखते रहे। ये घटना पश्चिमी दिल्ली के विकास नगर की है, जहां एक शख्स उत्तम नगर से शेयरिंग ऑटो में विकास नगर आया। वहां उसने ऑटो वाले को 10 रुपए का नोट दिया, जो कि थोड़ा फटा हुआ था। ऑटो वाले ने व्यक्ति से नोट बदलने के लिए कहा तो उसने नोट बदलने से मना कर दिया। इसके बाद पहले तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ और फिर देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ गई। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाने लगे। देखते ही देखते वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या माजरा है। किसी ने बीच बचाव करने की भी कोशिश नहीं की, लेकिन तभी एक शख्स भीड़ से बाहर निकला और उसने मारपीट रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं रुके और लगातार मारपीट करते रहे। करीब आधे घंटे तक मारपीट के बाद दोनों ने मारपीट बंद की और वहां से चले गए। हैरत करने की बात यह रही कि जब दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी, तभी मारपीट देख रहे लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी जेब कट गई। ये पूरी वारदात सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये कैमरा इलाके के विधायक दफ्तर के बाहर लगा था। बताया जा रहा है कि जब मारपीट हो रही थी तो विधायक दफ्तर में नहीं थे। पुलिस का कहना है कि उन्हें इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं मिली है। आगरा में भाजपा विधायक चौधरी उदय भान सिंह ने भारी सभा में महिला एसडीएम गरिमा सिंह को खड़काया। वहां किसी ने उनका वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। गरिमा सिंह किरावली की एसडीएम है। आगरा जिले में एक बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक एक महिला एसडीएम को हड़का रहे हैं। आरोपी विधायक चौधरी उदयभान सिंह आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। आगरा में भाजपा विधायक चौधरी उदयभान सिंह ने भरी सभा में महिला एसडीएम गरिमा सिंह को हड़काया, लेकिन वहां किसी ने उनका वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। गरिमा सिंह किरावली की एसडीएम है। बीजेपी विधायक चौधरी उदयभान सिंह ने भरी सभा में एसडीएम सिंह को खरी खोटी सुनाई और नौकर तक बता डाला। वायरल वीडियो में विधायक एसडीएम को कहते दिख रहे हैं कि तुम्हें मेरी ताकत का एहसास नहीं है। विधायक उदयभान सिंह का इस मामले में कहना है कि किसान मेरे कार्यालय पर आए थे, किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं मिला है। किसानों की समस्या लेकर मैं एसडीएम के ऑफिस गया था। एसडीएम ने किसानों के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, तब से बीच में आया और मैंने एसडीएम को डांटा था। 31 अक्टूबर 1984 ये महज एक तारीख नहीं, बल्कि ये मुल्क के माथे पर लगा वो बदनुमा दाग है, जो शायद वक्त भी नहीं धो पाए। ये तारीख सिर्फ इंदिरा गांधी की हत्या की तारीख बनकर रह सकती थी, लेकिन कुछ सियासी रहनुमाओं को शायद ये गवारा नहीं था। जिस जगह अहले सियासत ने उगाए थे फसाद, घर से स्कूल को जाने का वही रास्ता था। 34 साल लग जाते हैं ये बताने में कि कौन गुनहगार है कौन नहीं। 34 साल पहले के जख्म पर कोर्ट ने अब 34 साल बाद मरहम रखा है। 34 साल बाद सज्जन कुमार को उम्र कैद मिली है। जब भी इस देश में दंगे का जिक्र आता है तो याद आता है 31 अक्टूबर। इस मुल्क की तारीख में 31 अक्टूबर 1984 की याद आज भी हर हिंदुस्तान को सहमा जाती है। पिछले 34 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें बदल गई, बस नहीं बदली तो इस तारीख की टीस। आंसुओं और आहों में लिपटी 31 अक्टूबर 1984 की वो मजलूम चीखें आज भी दिल्ली की कई बस्तियों, मोहल्लों में और गलियों में गूंजती हैं। 31 अक्टूबर 1984 में ये महज एक तारीख नहीं है, बल्कि ये मुल्क के माथे पर लगा वो बदनुमा दाग है, जो शायद वक्त भी ना धो पाए। ये तारीख सिर्फ इंदिरा गांधी की हत्या की तारीख बनकर रह सकती थी, लेकिन कुछ सियासी रहनुमाओं को शायद ये गवारा ना था और इसीलिए उन्होंने इस तारीख
के साथ जो खूनी खेल खेला, उसे दिल्ली की गलियों में जिंदगी खुद पनाह मांगने लगी। उस शाम भी दिल्ली की गलियों में सूरज डूबा था, लेकिन अपने पीछे वैसा अंधेरा छोड़कर उससे पहले कभी नहीं गया था। एक 23 साल की महिला ने अपने साथ गैंगरेप का जबरन बंधक बनाने का मामला दिल्ली महिला आयोग में दर्ज कराया है। पीड़िता महिला उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित बबेरू थाना क्षेत्र की रहने वाली है। ससुराल वालों से किसी बात पर विवाद होने के बाद उसके रिश्ते का देवर शिवचरण यादव उसे मायके पहुंचाने के नाम पर बहला फुसलाकर अपने एक साथी सूरज दीन के पास ले गया, जहां पहली बार उसका गैंगरेप किया गया। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा, वह भी किसी एक जगह नहीं, दर्जनों जगह। पीड़िता को हर दिन धमकियां भी मिलती रहीं। पहली बार एक महीने तक उसे बंधक बनाकर हर दिन उसका बलात्कार किया गया और उसके बाद किसी दूसरी महिला के हाथों 30,000 रुपये में उसका सौदा कर दिया गया। इसके बाद वह महिला कितने लोगों के हाथों बिकी और कितनों ने उसके साथ बलात्कार किया, ये सिलसिलेवार कहानी उसकी चिट्ठी खुद बयां कर देती है। पता लगा है कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा के कुछ सदस्य पीड़िता को दिल्ली लेकर आए थे। पीड़िता ने दिल्ली के रानीबाग थाना इंचार्ज के पास खुद पर हुए जुल्मों की शिकायत दर्ज करवानी चाही, तो पुलिस वालों ने FIR दर्ज करने के बजाय उसी का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। पुलिस वालों ने मंजू पर दबाव डाला कि वह आरोपियों से कुछ पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दे। जब महिला ने पुलिस की ये बात मानने से मना कर दिया, तो अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की, तो पुलिस ने न सिर्फ उसके साथ गाली गलौज की बल्कि उस पर लगातार दबाव डालने लगे। संदीप मेंटल और उसके दोस्त पवन की हत्या 2 मई को नफसगढ़ इलाके में कर दी गई थी। इसके बाद से संदीप मेंटल गैंग को उसका भाई सोनू चला रहा था। पुलिस का कहना है कि संदीप मेंटल के भाई सोनू को शक था कि राजीव नाम के शख्स ने संदीप मेंटल की हत्या करवाई है और उसे इसके लिए कमलेश ने ही उकसाया था। दिल्ली पुलिस ने 10 सितंबर को द्वारका में हुए एक महिला की कत्ल के मामले में संदीप मेंटल गैंग के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 10 दिसंबर की सुबह 10 बजे कपिल मलिक, उसके एक दोस्त और एक नाबालिग ने घर में घुसकर कमलेश नाम के एक महिला को 6 गोलियां मारी थी। कमलेश की मौके पर ही मौत हो गई थी। कमलेश पर उसी के पति का कत्ल का आरोप है। इस केस में कमलेश 3 साल तक जेल में रहकर आई थी। कमलेश की हत्या के सभी आरोपी संदीप मेंटल गैंग के शार्प शूटर बताए जा रहे हैं। संदीप मेंटल और उसके दोस्त पवन की हत्या 2 मई को नजफगढ़ इलाके में कर दी गई थी। इसके बाद से संदीप मेंटल गैंग को उसका भाई सोनू चला रहा था। पुलिस का कहना है कि संदीप मेंटल के भाई सोनू को शक था कि संदीप नाम के शख्स ने संदीप मेंटल की हत्या करवाई है और उसे इसके लिए कमलेश ने ही उकसाया था। इसके बाद से ही संदीप मेंटल के शूटर कमलेश की हत्या करने के फिराक में लगे थे। पुलिस को इस मामले में अभी संदीप के भाई और एक दूसरे शूटर की तलाश है। 8 महीने में हुए इन 3 कत्ल के पीछे 8 फ्लैट बताए जा रहे हैं जो कभी संदीप मेंटल ने बनवाए थे। इन्हीं पर कब्जे को लेकर पहले संदीप और पवन की हत्या हुई और फिर कमलेश की। पुलिस का कहना है कि इस केस से जुड़े सभी लोगों की तलाश कर रही है ताकि इस गैंगवार को रोका जा सके। जुर्म की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ। नमस्कार।